इस समय बीजेपी की सरकार आएगी इस बार, कहीं भी ये सरकार खड़ा नहीं उतरी है, लगता है कि यहाँ पर झारखंड में कमल फूल खिलेगा। हेमंत सरकार ने कोई काम नहीं किए, वो सब झूठ पे झूठ कर पुलिंदा बनाते चले गए। ये कार्यकाल आम जनता को इतना ज्यादा निराश किए है, इन यह सरकार की नीति नियम और नियत कहीं से भी, जन नेता वही होता है जो जनता के मुद्दों पर मुखर होकर उनकी बातों को आगे रखता है। हेमंत सोरेन सरकार आम जनता को बहुत ही निराश किए है, और बल्कि इनसे पहले जो इनका एक साल का कार्यकाल था वो ज्यादा बेहतर था, लेकिन ये जो इनका पांच साल का ये कार्यकाल रहा, ये सिर्फ लूट के लिए ये कार्यकाल बना। नमस्कार, स्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी डान। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। एक तरफ नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो दूसरी तरफ आम जनता भी अब सोच समझ कर ही झारखंड में एक बार फिर से नई सरकार बनाने की तैयारी में है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं हमारे साथ, झारखंड की जनता है, उनसे जानते हैं कि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन सरकार का कार्यकाल रहा है उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं और क्या इस बार बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ भैया हैं, पहले इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि हेमंत सोरेन के पांच साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये दूसरी बार झारखंड राज्य गठन के बाद ये दूसरी सरकार है जिन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल को पूरा किया है। इससे पहले रघुवर सरकार ने किया था, अब हेमंत सोरेन ने किया, हालांकि बीच में वो जेल भी गए, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन ने पांच साल को पूरा किया। कैसे देखते हैं कामकाज को? देखिए, ये इस बार जो हेमंत सोरेन का पांच साल का कार्यकाल था, ये कार्यकाल आम जनता को इतना ज्यादा निराश किए है, आप चाहे उसको रोजगार के मायने पर ले जाइए या यहाँ का डेमोग्राफी के मामले में ले जाइए या तो फिर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर ले जाइए, कहीं भी ये सरकार खड़ा नहीं उतरी है। और खास करके जिस तरह अंतिम समय में इन्होंने जो राज्य के युवाओं को रोजगार के नाम पे जो दौड़ लगाया, जो युवा आज अपने नियुक्ति के लिए यहाँ पर रांची आए थे और वो यहाँ से कफन लेके यहाँ से लौटे हैं, तो पूरा का पूरा ये सरकार हेमंत सोरेन सरकार आम जनता को बहुत ही निराश किए है, और बल्कि इनसे पहले जो इनका एक साल का कार्यकाल था वो ज्यादा बेहतर था, लेकिन ये जो इनका पांच साल का ये कार्यकाल रहा, ये सिर्फ लूट के लिए ये कार्यकाल बना, जिसमें इनका मंत्री जेल पर रहा, इनका अफसर जेल पर रहे, डीसी जेल पर रहे, इनका विधायक प्रतिनिधि जो हेमंत सोरेन कहते हैं वो जेल पर रहे, खुद मुख्यमंत्री जेल पर रहे। तो ये व्यवस्था इस बार पूरा सरकार भ्रष्ट है, और जनता इस बार निश्चित रूप से बदलाव चाहती है, और इस बार हमें लगता है कि यहाँ पर झारखंड में कमल फूल खिलेगा। क्या लगता है, बदलाव होगा झारखंड में? बिल्कुल से वही कंटिन्यू? नहीं, बिल्कुल होगा। अब इस समय बीजेपी की सरकार आएगी इस बार, और बीजेपी की सरकार आएगी जितनी भी वायदे की। बीजेपी की सरकार क्यों आनी चाहिए? इसलिए क्योंकि हेमंत सरकार ने कोई काम नहीं किए, वो सब झूठ पे झूठ कर पुलिंदा बनाते चले गए, ना नियुक्ति कहीं दिए ना कुछ है। मैया योजना, पैसा दे रहे हैं? नहीं नहीं, वो जानते हैं गरीबों को तो नहीं पहुंचा, वो जाने किसको किसको दिए। और जितने भी और फॉर्म भरे गए वो सारे फॉर्म एक कूड़ेदानी में पकड़े गए, और पकड़ने के बाद उनको फाड़ करके आग जलाया गया, समझे। डीसी के हम ऑफिस में गए हुए थे उस समय पर, काफी माहौल अच्छा था हम लोगों का, महिलाओं का, और जोर शोर से। सोरेन तो बोलती है हर जगह मैया ही मैया, मैया कहीं नहीं है मैया। अभी गांव क्षेत्र में देखो, सारी जगह हर आदिवासी महिलाएं, हमारी बहनें, वो सब रो रही हैं। अब हमको फुसलाया गया, हमसे फॉर्म भरा लिया मगर आज तक एक पैसा नहीं आया, वो कहाँ है अपने? वो ऐसा ही झूठ फरे भी बना करके बोल रहे, समझे। झूठी कितने दिन चलेगी? झूठ नहीं चलता, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा दीदी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यह सरकार आई थी युवाओं के रोजगार के नाम पर, यह सरकार आई थी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, यह सरकार आई थी लोगों की आय दुगना करने के नाम पर, लेकिन यह सरकार की नीति नियम और नियत कहीं से भी सही नहीं है। सरकार की जो नीति है वो सिर्फ है कैसे हम सरकारी तंत्र का उपयोग करके लूट करें। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, मैं खुद भुक्त भोगी हूँ। तीन तीन बार मेरे फादर के देहांत के बाद सक्सेशन मोटेशन के लिए डाला, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ, ना ही हम मुझसे कोई दस्तावेज मांगा गया। तो ये जो धरातल पर जो समस्याएं हैं, इसके लिए कौन जवाबदेही है? आज रियल एस्टेट का बाजार पूरी तरह से चौपट है, उसके लिए कौन जवाबदेही है? जो बालू 12,000 रुपया 10 चक्का आता था, आज वो 55,000 60,000 रुपया 10 चक्का हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है?
आज जो बाहर से घुसपैठ हो रहा है, जो यहाँ के मूलवासी और यहाँ के जो निवासी है उनका हक मारा जा रहा है। एनआरसी का जो मामला आया था बीच में, लेकिन सरकार उस पर ध्यान ना दे करके उनको संरक्षण देने का कार्य झारखंड की वर्तमान सरकार कर रही है। यूपी में हमारे योगी जी ने कह रहे हैं जो बटेगा वो कटेगा, तो कहीं ना कहीं यह संदर्भ सही फिट बैठ रहा है आज झारखंड के परिदृश्य में, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों का यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसमें बदलाव साफ नजर आ रहा है। यहाँ की जो मूलवासी आदिवासी बहु बेटियां हैं उन्हें बरगला कर मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान शादी विवाह कर रहे हैं और वहाँ की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी बड़ा मुद्दा है। संथाल से ये मामला उठा है, लेकिन संथाल के ही कद्दावर नेता में शुमार लुईस मरांडी आज JMM के साथ जुड़ चुकी है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ जो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं उन्हें सिर्फ अपने पद से ही मतलब होता है, उन्हें पार्टी में रही तो उनमें महत्वाकांक्षी। जब तक आपको आपकी महत्वाकांक्षा को पार्टी पूरी कर रही है, मैं वैसे लोगों को नेता नहीं मानता जो अपने महत्वाकांक्षा को लेकर शीर्ष नेतृत्व का बात ना मानकर अपनी सिर्फ सत्ता भोग के लिए उनके साथ जमे रहते हैं, वैसे लोगों को मैं नेता नहीं मानता। जन नेता वही होता है जो जनता के मुद्दों पर मुखर होकर उनकी बातों को आगे रखता है। लेकिन आपको एक बार पार्टी अगर मौका नहीं दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने घर छोड़कर दूसरे के घर को संवारने चले जाएं। पांच भाई हैं, आप पांचों भाई का विचार भी एक नहीं रहता। बीजेपी का जो लिस्ट जारी हुआ उम्मीदवारों की, इसमें तो पूरा परिवारवाद दिख रहा है। सीपी सिंह को देखिए, ये छठी बार है जो टिकट नहीं, ठीक है। देखिए, सीपी सिंह जी एग्जांपल दे, रांची के जन जन के नेता है हुए। आप चले जाइए एक ठेले खोपचे वाले के यहाँ भी, हरनी मरनी किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है, सीपी सिंह दौड़ के उनके लिए जाते हैं। तो सीपी सिंह जी जैसे नेता, कद्दावर नेता और पार्टी के लिए समर्पित नेता मैंने आज तक नहीं देखा है। सीपी सिंह जैसे नेता पार्टी में रहने चाहिए, ये बात अलग है कि थोड़े अस्वस्थ भी रहते हैं, पार्टी उनके विषय में विचार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मौका उन्हें दोबारा देकर रांची की जनता कि जो दिल में उनकी जगह है उसको बरकरार रखा गया है। और सीपी सिंह जी भी विजयी होंगे, क्योंकि राष्ट्र के लिए जो पार्टी सोचती है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी युवा के जनता बना रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि युवाओं के लिए जो रोजगार का भी विषय था, यहाँ पे 16 वर्ष से लगातार रघुवर जी के टाइम में भी आया, लोकल प्रोपोगेंडा क्रिएट कर है ना, किस प्रकार से वैकेंसियों को रोका गया। उस समय रघुवर जी के टाइम में भी हम लोगों ने देखा, भीतरी बाहरी की लड़ाई करके हमारे साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ। चलिए, मतलब झारखंड को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लाना है, बीजेपी को लाना है। बीजेपी गोगो दीदी योजना का फायदा मिलेगा? मैं आपको बता देता हूँ, गोगो दीदी योजना ऐसे महिलाओं को सशक्त करने की योजना है जो महिला गरीबी रेखा से नीचे है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, उसको एक मदद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इसके बारे में पूरा डीपली पढ़ा, ये चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है। गोगो दीदी योजना मैया योजना की तहत, मैया योजना आपको अगर देना ही था तो सरकार 5 वर्ष पूर्व जब से सरकार बनी उसी समय से आपका चूल्हा दीदी योजना कहाँ गया? आप बोले थे कि चूल्हा योजना देंगे महिलाओं के लिए, तो वो योजना कहाँ गई? तो आरोप प्रत्यारोप, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी जीतने के पश्चात पहले माह से गोगो दीदी योजना 2100 रुपया जो है और बेरोजगारी भत्ता जो पंच प्रण में जो जारी हुआ है वो देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक आम जनता के नाते मुझे ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि मैं इनके कार्यकाल को बहुत सारा देखा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा ये पूरी तरीके से भ्रष्ट रहा। ना सिर्फ मुख्यमंत्री जेल गए, उनके मंत्री जेल गए, उनके DC जेल गए, उनके प्रतिनिधि जेल गए। तो वहीं वो जो यहाँ पे जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अब झारखंड को बचाना है, अगर गरीब जनता के बारे में सोचना है तो फिर बीजेपी को लाना होगा। ऐसे में इंतजार करना होगा, देखना होगा कि 23 नवंबर को झारखंड की जनता किसे आशीर्वाद देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।